हेलो एंड एंड गुड इवनिंग सीएनसी वेलकम टू आवर रमजान स्पेशल क्लास क्लास दिस इज नंबर हम ऐसे टोटली तीन क्लासेस करने वाले थे एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है लास्ट वीक ये हमारा सेकंड क्लास है ऑलरेडी फाइव मिनट्स लेट हुए लेट uh, होने का रीजन ये है कि यूट्यूब की जो लिंक हमने फॉरवर्ड की थी ग्रुप में दैट इज नॉट वर्किंग इसलिए प्रोग्राम स्टार्ट करने में लेट हुआ है नई लिंक क्रिएट कर दी गई है uh, गौर से सुनिए आपने जिन लोगों को भी लिंक भेजी थी दैट विल नॉट वर्क नया लिंक क्रिएट करके अभी uh, बिल्कुल अभी भेजी गई है ओनली वर्क टैप टीम ग्रुप्स में और क्लब ओनर ग्रुप में uh, आप अपने लोगों को वो लिंक फॉरवर्ड कीजिए क्योंकि सात बजे ही यहाँ पे ये कैपेसिटी फुल हो गई थी थाउजेंड पार्टिसिपेशन का अकाउंट फुल हो गया था लोग पुरानी यूट्यूब लिंक पे क्लिक uh, करके ट्राई कर रहे होंगे एंड वहां पर कुछ नहीं आने वाला है इसलिए अभी नई लिंक uh, अभी ही डाल दीजिए जो आपको ग्रुप्स uh, में आ गई है एंड समबडी प्लीज पुट द लिंक हेयर एज वेल सम मेंबर प्लीज़ पुट द लिंक इन चैट बॉक्स तो आप जिन लोगों को अटेंड कराना चाह रहे सेशन अभी ही ये नया लिंक फॉरवर्ड कीजिए सो वेलकम टू द सेकंड क्लास ऑफ रमजान स्पेशल सेशन पहले एक दो मिनट रिव्यू कर रिवाइज कर लेंगे पिछले क्लास में हमने जो बात की थी uh, रमजान में हम लोगों का जो मकसद है जो नए लोग आज ये क्लास अटेंड कर रहे हैं हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम एक कम्युनिटी वहरण कर रहे हैं इट्स वेलनेस बेस्ड कम्युनिटी जहां पर हम लोगों के फिटनेस का लोगों के वेट मैनेजमेंट का वेट लॉस का वेट गेन का ख्याल रखते हैं और अच्छे न्यूट्रिशन के थ्रू उनके सेहत को इम्प्रूव करने का काम कर रहे हैं और पिछले साढ़े तेरह साल से हम ये काम कर रहे हैं तो पिछले साढ़े तेरह साल से जहां पे हम लोग लोगों के वेट मैनेजमेंट का एनर्जी और फिटनेस का ख्याल रखे हैं रख रहे हैं उसी तरह हमारे पास लोग ऐसे कई लोग हमारे पास जुड़े हैं जो सालों से रोजे भी नहीं रख पा रहे थे रमजान शरीफ के रोजे नहीं रख पा रहे थे रमजान के रोजे रखना एक खुश नसीबी की बात है एक सादत की बात है बहुत बड़ी बात है बचपन से लोगों को शौक होता है रोजा रखने का लेकिन जवानी पे आया तक अधेड़ उम्र पे आया तक और फिर बुढ़ापे के अर्ली स्टेज पे ही कुछ ना कुछ हेल्थ चैलेंजेस की वजह से बीपी शुगर के चलते हुए या डाइजेशन के मसाइल की वजह से वीकनेस की वजह से या के से, लो इम्यूनिटी की वजह से लोग रोजे नहीं रख पाते हैं काम बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से लोग काम करना मुश्किल हो जाता है इसलिए रोजे छोड़ देते हैं या डॉक्टर कह देते हैं कि अभी आपकी सेहत आपको रोजे रखने की इजाजत नहीं देती चौदह पंद्रह घंटे आप भूखे नहीं रह सकते इसलिए आप रोजे रखना आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है एडवाइजेबल नहीं है ये बोल के लोग रोजे मिस कर रहे हैं और जमाने से लोग रोजे मिस कर रहे हैं लेकिन थैंक्स कम्युनिटी जो साढ़े साल से हम लोग काम कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम वेट मैनेजमेंट और फिटनेस और एनर्जी बिल्डिंग के अलावा हमारे पास कई ऐसे टेस्टमोनीज कई ऐसे स्टोरीज क्रिएट हुए हैं जो लोग रोजे नहीं रख पा रहे थे खराब सेहत की वजह से लेकिन हमारे साथ जुड़ के अपना खाने की आदतों को चेंज करके जिंदगी गुजारने के तरीके और खाने में न्यूट्रिशन को इंक्लूड करके वो सेहतमंद तरीके से रोजे रख पाए हैं हमारे पास कई ऐसे लोग हैं जो पिछले साल रमजान में पूरे रोजे रख रख पाए हैं जो कई सालों से रोजे नहीं रख पा रहे थे ऐसे भी लोग हैं जो पिछले दो साल से पिछले तीन साल से रमजान के रोजे रख रहे हैं और इससे पहले दस दस बारह बारह साल से रोजे नहीं रख पा रहे थे सो वी हैव अमेजिंग टू बैक है क्लेम कि अच्छा न्यूट्रिशन अगर लेंगे सही लाइफ गुजारेंगे यू you नो know, हमारा रूटीन अगर सही हो जाएगा खाने पीने की आदतें हमारे सही हो जाएंगे तो बिल्कुल ये फरीजा जो बहुत ही बड़ा फरीजा है बहुत ही खास इबादत है इसको हम मुकम्मल तौर पे सेहतमंद तरीके से मुकम्मल कर पाएंगे तो इसके लिए हमने ये सोचा कि कुछ सेशंस करके जो हमारे एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनको भी और जो नए लोग आज ये सेशन अटेंड कर रहे हैं उनको भी ये समझा है कि रमजान में असल प्रॉब्लम होता क्या है फिर हम इसका क्या सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं हम आधा घंटा इंफॉर्मेशन देंगे और आधा घंटा आपके सामने तीन ऐसे स्टोरीज आपको पेश करेंगे पर लोगों ने इस बेहतरीन कम्युनिटी से जुड़ के, अपना खाने पीने की आदतें चेंज करके किस तरह रमजान के रोजे सेहतमंद तरीके से रख पाए सो क्योंकि पहली क्लास हुई और आप में से कई लोगों ने वो क्लास मिस की होंगी तो पहले हम ये बात करेंगे कि रमजान में असल सेहत का प्रॉब्लम होता क्यों है रमजान में सेहत का प्रॉब्लम नहीं होता बल्कि साइंस इस बात की तोसीक करता है इस बात को मानता है कि जो लोग सही तरीके से रमजान के रोजे रखे इनफैक्ट उनकी सेहत अच्छी बनती है लेकिन हम तरीका बदल दिए हैं रमज़ान में ज्यादा खा रहे हैं और गलत खा रहे हैं सही खाना नहीं खा रहे हैं सदियों पहले जब रमज़ान के रोजे फर्ज किए गए थे जिस तरह की गजा बड़े लोगों ने अपनाई थी अगर वो गजा आज हमारी होती तो बिल्कुल ये मसाइल नहीं होते आज मुझे और आपको इस क्लास में बैठने की जरूरत भी नहीं होती हुआ ये कि हमने हमारे खानों के तरीके बदल दिए हुआ ये कि हमने हमारे सोने की टाइमिंग जागने की टाइमिंग तमाम चीजें बदल दी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है हमको रमजान में उमन देखा जाता है कि डाइजेशन खराब हो जाता है मेटाबॉलिज्म मतलब कैलोरी बर्निंग पावर डिस्टर्ब हो जाता है डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होता है बॉडी रिपेयर नहीं हो पाती है एसिडिटी सीने में जलन कॉन्स्टिपेशन शुगर बीपी के लेवल्स या तो अप ज्यादा हो जाते हैं या डाउन हो जाते हैं और हार्मोनल इंबैलेंस ये प्रॉब्लम होना शुरू होते हैं रोजे रखने की वजह से नहीं बल्कि रोजों के दौरान अपना रूटीन गलत करने की वजह से खाने पीने के अंदाज गलत करने की वजह से तो यू नो हमारा जिंदगी गुजारने का रूटीन गलत करने की वजह से प्रॉब्लम होते हैं तो अभी ये अब ऊपर के जो कंडीशंस जो मैंने बताया है कि चाहे वो हॉर्मोनबैलेंस हो या बीपी हो या शुगर हो या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो या फिर एसिडिटी का हार्ट बर्न का प्रॉब्लम इसकी वजह से लोगों के रोजे तक छूट जा रहे हैं तो इस ताल्लुक से हम लोगों ने बात की इसके ताल्लुक से डिटेल बात की लेकिन जो नए लोग हैं सिर्फ मैं आपको ब्रीफ ये बताना चाह रहा था ये रीजंस होते हैं कि लोगों के रोजे छूट जा रहे हैं हमारे स्टमक में हमारे पेट में जो शफ़ाफ़ पेट छोटा सा पेट की जगह होती है स्टमक जिसे कहते हैं उसमें हम सुबह सुबह शहर में ऐसे चीजें डाल रहे हैं जो कि इनफैक्ट दिन के टाइम में भी डालना चाहिए वो डाल रहे हैं हमारा बॉडी उसको यू नो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है फौरी हम सो जा रहे हैं और रोजा खराब हो रहा है और फिर डाइजेशन के प्रॉब्लम्स और खट्टी डकारों के प्रॉब्लम से हम रोजे नहीं रख रह पा रहे हैं शुगर डाउन हो जा रहा है रोजे नहीं रख पा रहे हैं रह तो अभी आ, होना कैसा चाहिए था जो हर्बल लाइफ का शेक जो आ, जो कम्युनिटी में जो कम्युनिटी की बात कर रहा हूं जो न्यूट्रिशन को प्रमोट प्रमोट करते हैं वो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जो पिछले 44 साल से 95 प्लस कंट्रीज में बेहतरीन तरीके से अपना काम अंजाम दे रहा है तो अगर हम अपना नाश्ता हमारा शहर जो आप उमूमन रोटी दाल चावल तरकारी मछली अंडे मुर्गी और खिचड़ी खट्टा खीमा नहारी कुलचे ये तमाम चीजें लेके जो अपना खाना बिगाड़ रहे हैं अपनी शहर में ये चीजें ले रहे हैं वो चीजों की जगह अगर आप ये शेक लेते हैं तो आपका पेट एकदम साफ और शफाफ रहेगा डाइजेशन अच्छा रहेगा एनर्जी बहुत बढ़िया रहेगी सेहत के कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी बीपी शुगर स्टेबलाइज रहेगा दिन भर एक्टिव और एनर्जेटिक रहेंगे एंड एन ऐसे रोजे पूरे कंप्लीट करते हुए सही तरीके से सेहतमंद तरीके से ईद को भी आप वेलकम कर पाएंगे तो ये चीजों के तलुक से हम बात किए थे आज हम बात करेंगे आज जो सेकंड क्लास है इसमें हम बात करेंगे कुछ कुछ लोगों का अगर ये पहला भी क्लास है तो आप कंफ्यूज ना हो कि पहला क्लास मिस कर दिए अब ये क्लास में समझ में आएगा या नहीं आएगा जो चीजें समझ में आ रही है ठीक है नहीं भी समझ में आया तो आखिरी के आधे घंटे में जिन लोगों के रिजल्ट्स मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं जो लोग हमारे साथ जुड़ के रमजान में सेहतमंद तरीके से रोजे रखे कई सालों से रोजे मिस करने के बाद उनके रिजल्ट आपके लिए इंस्पिरेशन हो सकते हैं तो

फाइटो न्यूट्रिय केमिकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं सॉरी टेक्निकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं लेकिन अगर आम तौर पे इसको आ, आम अंदाज में बोलूं बोलूं तो ये कि आपके गजा के दो हिस्से होते हैं एक हिस्सा जो के थ्रू आपके बॉडी से निकल जाता है दूसरा हिस्सा आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट का कारामद होता है आपके नशो जिसे कहते हैं आपका ग्रोथ आपका डेवलपमेंट करता, करता है आपके बॉडी का डेवलपमेंट करता है बॉडी के निजाम को चलाता है वो दूसरा हिस्सा होता है न्यूट्रिशन वो आपकी बॉडी को हमेशा जरूरत है अनफॉर्चूनेटली आज के दौर में जिस तरह से काशकारी हो रही है जिस तरह से फार्मिंग हो रही है हमारे غذا में न्यूट्रिशन नहीं है साइंस कहता है कि आज से 30 साल पहले हमारे غذا में 90% न्यूट्रिशन और 10% वेस्टेज होता था आज इसका बरक्स है हमारे غذا में 10% न्यूट्रिशन और 90% तक वेस्टेज है तो बिल्कुल न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तरकारियां फल फ्रूट दिखने को वही शक्ल है ना वही नाम है लेकिन न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं के बराबर है जब आम दिनों में न्यूट्रिशन की जरूरत है तो खास करके रमजान में तो और ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है क्यों क्योंकि इसमें हम फास्टिंग करते हैं तेरह घंटे कभी साढ़े तेरह घंटे चौदह साढ़े चौदह घंटे तक हम लोग कुछ खाते पीते नहीं है तो जब हम कुछ खा नहीं खा खा पी नहीं रहे हैं और पहला खाना जिसके बाद हमें चौदह घंटा भूखा रहना है जिसे हम शहर कहते हैं तो शहर में आपको ये चीज का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि शहर में मुकम्मल खाना खाए मुकम्मल खाना वो नहीं है जिसमें तीन रोटी और दो प्लेट चावल आ जाए और पाव किलो यू नो गोश्त फ्राई करके खाया जाए खट्टी दाल के साथ वो मुकम्मल खाना नहीं है मुकम्मल खाना वो है जिसमें आपको प्रोटीन मिले मुकम्मल खाना वो है जिसमें आपको अच्छा फैट मिले जिसमें फाइबर मिले और जिसमें ये कुछ न्यूट्रिएंट्स बोला जो आपके डाइजेशन को मेंटेन रखने में आपके मेटाबॉलिज्म को हाई रखने में और दिन भर आपको एनर्जेटिक रखने में ये कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है जिसमें मैग्नीशियम आता है पोटेशियम आता है आयरन आता है जिंक आता है तो ये कुछ न्यूट्रिएंट्स जो बहुत ज्यादा जरूरत है खास से फास्टिंग में जब इंसान भूखा रह रहा है चार घंटे छह घंटे आठ घंटे दस घंटे हो गए कुछ नहीं खाए तो तब एनर्जी लेवल सही रहना हेल्थ मेंटेन रहना तो ये न्यूट्रिएंट्स रहना जरूरी हमारे गिजा में प्रोटीन भी फाइबर भी फैट भी, भी मैग्नीशियम प्रोटीन सॉरी मैग्नीशियम पोटेशियम आयरन एंड जिंक एंड और भी कुछ चीजें लेकिन अनफॉर्चूनेटली आज की डाइट में हमें तमाम ये चीजें नहीं मिल रही हैं हम सुबह के शहर में क्या खा रहे हैं आपको पता है हर घर का मामूल क्या होता है हम सबको पता है शहर के दो-दो घंटे -दो तीन-तीन घंटे पहले से खाने पकाने की तैयारी होती है यहां तक कि कई घरानों में तो इफ्तार के साथ ही शहर के पकवान के सालन बन जाते हैं रोटियां सुबह में दलती है चावल सुबह में बनता है सालन को गर्म किया जाता है और एक सालन बनाया जाता है फिर दाल भी अलग से होती है बाहर से कुछ और चीजें आ जाती है घर में पापड़ तले जाते हैं अचारों के जखीरे होते हैं इन तमाम चीजों के साथ फिर शामिया भी तली जाती है इसके साथ हमारा सुबह का शहर का निजाम होता है इस तरह से हमारा सुबह का शहर का निजाम होता है तो हमें चाहिए था प्रोटीन हमें चाहिए था फाइबर हमें चाहिए था अच्छा फैट मैग्नेशियम पोटेशियम लेकिन हमने सुबह के शहर में ही बहुत ज्यादा स्पाइसेस बहुत ज्यादा नमक बहुत ज्यादा मिर्च इतना इतना तेल सालनों के ऊपर वैसा डाल के हमने हमारा खाना शुरू कर दिया है ज्यादा तेल खाने से ज्यादा शकर खाने से हलक सूखता है लेकिन आज हमें उसकी फिक्र ही नहीं है हम लोगों ने शहर में मीठा खाना भी मामूल बना लिया है मीठा अगर अम, आ, मीठा खजूर की शक्ल में खाया जा रहा है खाने से पहले एक आध खजूर खाया जा रहा है वो मीठा खा रहे तो बहुत अच्छे उसके बेनिफिट्स उसमें न्यूट्रिएंट्स है लेकिन हम खजूर बल्कि हम तो क्या क्या चीजें खा रहे हैं हम लोग कलरफुल स्वीट्स खा रहे हैं हम लोग हलवे खा रहे हैं अब दिन रहेंगे। कहां से रहेंगे? आपका, आपका डाइजेशन पूरा खराब कर देगा खाते ही सो जा रहे हैं नमाज भी मिस पर सो जा रहे हैं और जब बिस्तरों से उठे तक जोहर हो जा रही है असर हो जा रही है जब यह समझ रहे हो गया क्या ये रोजा क्या इसका नाम रोजा है आप खुद सोचिए और कुछ लोग तो रख भी नहीं पा रहे हैं डाइजेशन खराब हो गया है बीपी शुगर स्टेबलाइज नहीं है डॉक्टर ने मना कर दिया है तो इसलिए क्योंकि हमारा खाना सही नहीं है इसलिए डॉक्टर को मालूम है ये खाने पे ये लोग रोजा नहीं रख पाएंगे ये न्यूट्रिशन लेस खाने पे रोजा नहीं रख पाएंगे क्योंकि हमें स्पाइसी और ऑयली खाने खाने की आदत है शहर में ये नहीं खाना है बल्कि हमें न्यूट्रिशन न्यूट्रिशियस डाइट खाना है ऐसी डाइट जिसमें फाइबर भी हो प्रोटीन भी हो अब ऐसी डाइट आपको कहां से मिलेगी जिसमें फाइबर भी हो प्रोटीन भी हो और ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स हो ऐसी डाइट आपको कहा मिलेंगी जैसा मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह से आजकल के जमाने में फार्मिंग चल रही है फार्मिंग का जो मेथड है जिस तरह से फसलों को उगाया और पकाया जा रहा है जिस तरह से हम उसको कुक कर रहे हैं न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं है पहले लोग हशास बश्स तरीके से दो रोटी और थोड़ी तरकारी खा के कभी कभार नॉनवेज खा के रोजे रखते थे और दिन भर मेहनत भी करते थे मजदूरी भी करते थे जॉब भी करते थे बिजनेस भी चलाते थे आज ऐसा क्या हो गया कि पेट भर खा रहे हैं बड़े बड़े बुफे लग रहे हैं होटलों में शहर में अठारह अट्ठारह बीस बीस डिशेस का बुफे लग रहा है शहर में उतना खाने के बाद भी एनर्जी क्यों नहीं रह रही है क्योंकि खाने में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और शुगर और ऑयल का भरमार है हमारे खाने में न्यूट्रिशन ही नहीं है वो खाना आम दिनों में भी हमारे लिए अच्छा नहीं है तो शहर में कैसा हो सकता है और दिन ब दिन हर साल लास्ट साल उससे साल का पहला रमजान के बनस्बत पिछले साल के रमजान में और हमारा खाना खराब हुआ है लास्ट साल के मुकाबले में इस रमजान में bet, हमारा खाना और खराब होने वाला है नए नए ट्रेंड्स आने वाले हैं नए नए काउंटर्स लगने वाले हैं नए नए होटल्स के नए नए ऑफर्स आने वाले हैं आपको रुझाने के लिए सो आपके यू नो फूड फूड ऑर्डरिंग एप्स भी नए नए ऑफर्स लाने वाले हैं रमजान स्पेशल ऑफर्स लाने वाले हैं जो आपको बीमार करने में आपके सेहत को खराब करने में आपके डाइजेशन को खराब करने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं और वैसी जगहों पे हम स्पेशल मेंबरशिप लेके हमारे फैमिलीज को ले जाके बूढ़े भी जा रहे हैं बच्चे भी जा रहे हैं खातिन भी जा रहे हैं मर्द भी जा रहे हैं और कभी इस जगह जा रहे हैं तो कभी उस जगह जा रहे हैं पैसा जहां पर खर्च नहीं करना चाहिए वहां पर पैसा खर्च कर रहे हैं होटलों में आम दिनों में भी और रमजान में तो खासतौर होटलों में टोपियों की और बुरखों की लाइन लगी हुई है इसलिए इसीलिए अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटलों में भी टोपियों की और बुरखों की ही लाइन लगी हुई है तो हमें यह समझना जरूरी है कि रमजान में अगर आपको इबादतें करते हुए अच्छी तरह से आपको इबादतें करते हुए अपना रमजान गुजारना है पूरे तीस रोजे जो भी होंगे उनतीस या तीस रोजे रखते हुए हमें पूरी इबादत के साथ रमजान गुजारना है तो आपको अपने शहर को बदलना होगा और कई लोगों ने यह किया जिसकी वजह से रमजान के रोजे भी रख पाए और सेहतमंद तरीके से रख पाए और कई सालों से जो नहीं रख पा रहे थे वो रख पाए क्योंकि हर्बल लाइफ शेक जो हम दे रहे हैं उसमें प्रोटीन है जितना प्रोटीन होना चाहिए उतना प्रोटीन इनफैक्ट रमजान स्पेशल शेक में यू विल नॉट बिलीव रमजान स्पेशल शेक में हम थर्टी फाइव टू तो फोर्टी ग्राम प्रोटीन देते हैं पैंतीस से चालीस ग्राम प्रोटीन एक टाइम में हम आपको दे रहे रमजान स्पेशल शेक में साथ ही साथ फाइबर आपको दे रहे हैं और साथ ही साथ शाम का जो आपको रूटीन बताएंगे जो हमारी तीसरी क्लास रहेगी जिसमें पूरे दिन का रूटीन क्या रहेगा शेक कब कब लेना है दूसरे मिल्स क्या लेना है जिसमें फाइबर और प्रोटीन का और दूसरे न्यूट्रिएंट्स का इनटेक कैसा बैलेंस करना है ये तमाम चीजें हम थर, तीसरी क्लास में डिस्कस करेंगे लेकिन इतना बता दो बैलेंस न्यूट्रिशन के थ्रू आपको दिन भर सेहतमंद तरीके से रमजान के रोजे रखने में हमारा प्रोग्राम आपको मदद करने वाला है एंड ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हो रही है मैं जो बोल रहा हूं उसको उसको you know, उसको यू नो टेस्टिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ स्टोरीज है जो मैं आपके सामने रखूंगा तो जो लोग रमजान में सिर्फ अपनी सेहत मेंटेन रखने के लिए हमारा हिस्सा बनना हमारे साथ रहना चाह रहे हैं हंड्रेड यू आर वेलकम जो लोग रमजान में वेट लॉस भी करना चाह रहे हैं हेल्दी वे में यू आर वेलकम कई लोग हैं हजारों लोग हैं जो रमजान में भी हमारे साथ जुड़ के वेट लॉस भी करते हैं आप भी वेलकम है अगर आप उन लोगों में आपका शुमार होता है जो सेहत के प्रॉब्लम के कारण रमजान के रोजे नहीं रख पाए पिछले सालों में अगर इस बार आप एक नई उम्मीद से खुदा से दुआ करते हुए हमारे सपोर्ट से इस बार रमजान के रोजे रखने का ट्राई करना चाह रहे हैं यू आर मोस्ट वेलकम वो भी आपके साथ हो सकता है तो इन डिटेल में और एक स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट फास्टिंग में कितना ज्यादा और ज्यादा इंपॉर्टेंट और इसको कितना सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है देखो जब हम लोग नॉर्मली सुबह का शहर करते हैं सहर करने के बाद नमाज पढ़ने के बाद सो जाते हैं और जैसी उठते हैं हमको भूख की शिद्दत भी महसूस होती है और प्यास की शिद्दत भी महसूस होती है एंड सपोज uh, आप सोए पांच बजे पांच साढ़े पांच बजे सोए कुछ लोग नमाज पढ़ के सोते हैं कुछ लोग नमाज छोड़ के सो जाते हैं कुछ लोग घर में ही नमाज पढ़ के सो जाते हैं और ये सोचते हैं कि मैं जितना ज्यादा देर तक सोऊंगा उतना आसान रोजा गुजरेगा और यह तो गर्मा का महीना है गर्मा के सीजन में रोजे भयानक गुजरते हैं बहुत जल्दी प्यास लगती है इसलिए अगर गलती से किसी की दस बजे नींद होशियार भी हो गई बाथरूम जाने की वजह से तो मेक श्योर करते हैं कि आंखें भी पूरी ना खोले अगर आंखें पूरी खोल लेंगे या चेहरे पे पानी पड़ जाएगा तो नींद भाग जाएगी इसलिए कोशिश करते हैं कि दस बजे ना उठे और जितनी देर तक सोने का मौका मिला सोने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको मालूम है एक बार नींद होशियार हो गई आप नींद से बेदार हो गए तो फिर रोजा लगना शुरू होगा इफ्तार होने वाला है जनाब साढ़े छह बजे और उसके बाद अभी दस बजे हैं अभी साढ़े आठ घंटे कैसे गुजारना अब फोन पे कितनी बुद्धेर बोल के टाइम पास करेंगे कितने बार अपने चेहरे को भिगाएंगे कितने बार बॉडी के ऊपर पानी डालेंगे कितने बार चुप के वजू करेंगे ये नहीं होगा इसलिए लोग प्रिफर करते हैं कि वो भूख और प्यास की शिद्दत को कंट्रोल करने के लिए अभी और सोए और सोए और सोए और सोए बट इज दैट अ सोल्यूशन रमजान का जो दिन का टाइम है क्या वो सिर्फ सोने के लिए बनाया गया है लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना कह, कहना पड़ रहा है कि हमारा नौजवान तबका खासतौर से इस तरह किया हमारा रमजान में शेड्यूल होता है फोटो में अगर देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से हमारा शेड्यूल होता है कोई डिस्टर्ब नहीं करना अपना रूम में गए और बोल दिए यहां पे डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं होना किसी की आवाज नहीं आना और जरा आवाज आए तो चीख पुकारा शुरू हो जाना यह हमारा मामूल हो गया है क्योंकि रात भर जाग रहे हैं बिला वजह जाग रहे हैं इधर उधर मोटरसाइकिलों की आवाज करते हुए जाग रहे हैं कभी इस रोड पे कभी उस रोड पे जाके जाग रहे हैं सुबह तक कैसे टाइम निकालना है निकाल रहे हैं शहर में जो नई नई खाना था वो खाके और जितना नहीं खाना था उतना खाके के यहां तक खाते पानी की जगह न रहती फिर आधा लीटर पौन लीटर एक लीटर पानी पी ले रहे हैं और उसके बाद फौरिस हो जा रहे हैं और पूरा मालूम है मस्त रमजान का शहर वगैरह कर लिए असर में उठेंगे कुछ लोग जोहर भी मिस कर दे रहे हैं आई एम सॉरी अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हर्ट हो रहा है लेकिन यही वो यही वही चीज ही, वो ही हो रही है जो रियलिटी रियलिटी में हो रही है तो नमाजें मिस हो जा रही है और असर के बाद उठ रहे हैं और थोड़ा कुछ इबादतें हो गई तो कर रहे हैं या फिर इफ्तार की तैयारी में वो वक्त भी जा रहा है और जैसे ही इफ्तार हो गया मगरिब की नमाज हो गई हम आजाद हो गए फिर से वही पिछली रात का रूटीन फिर से शुरू हो गया तो ये था क्या मकसद रमजान का क्या ये इस तरह से हम रमजान रखना चाहेंगे नहीं तो सोते हुए दिन गुजारते हैं और रात जागते हुए रात गुजारते हैं रात सिर्फ जागते हुए नहीं बल्कि जागते हुए घूमते फिरते और खाते पीते हुए रात गुजारते हैं जिसकी वजह से दिन पूरा खराब हो रहा है एंड क्योंकि अगर ये सोच रहे हैं आपके जितना देर सोएंगे जितना देर दिन में सोएंगे उतना आपका रोजा हल्का गुजरेगा तो गलत है वो सोल्यूशन नहीं है क्योंकि ये आपकी सेहत और खराब करेगा आप जिस तरह का खाना खा के सोते हैं नॉनवेज खा के सोते हैं उसको डाइजेस्ट होने के लिए कम से कम सेवेंटी का का डाइजेस्ट करने के लिए आप जाग रहे हैं क्या होती देर जाग ही नहीं रहे ये तो नॉर्मल इंटेक की बात कर रहा हूं लेकिन शहर में तो इंटेक बढ़ जाता है उसके फौरी बात सो जाए तो डाइजेशन डिस्टर्ब हो गई होगा या तो तीन चार घंटे में आपको मोशन पास हो जाएगा और उसके बाद पेट खाली है क्योंकि एक्सेस फूड डाल दिया था आपका स्टमक आपके इंटेस्टाइन आपके अंतड़िया उतना फूड नहीं रख सकते उसको निकालना जरूरी है आप गहरी नींद में हैं आपको नेचर कॉल आया आप बात बाथरूम में गए फ्लश करके आ गए अब कैसी नींद लगेंगी अब भूख की भूख यू नो हंगर पैंक अभी से आना शुरू हो जाते भूख की शिद्दत आना शुरू होती चुब्हे दौड़ रहे आज पेट में बोल के बोल रहे क्यों दौड़ रहे आपने करा क्या वो देखो ना जितनी जरूरत नहीं थी बॉडी को उससे ज्यादा खाया फिर पानी भी पी लिया बहुत ज्यादा यहां तक आ गया आपका बॉडी डाइजेस्ट कर ही नहीं पाया उतना खाना एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाया खट्टे घट्टे आना शुरू हो गए पानी वापस मुंह में आना शुरू हुआ इसे कहते हैं का प्रॉब्लम होना शुरू हुआ थोड़ी कैफियत और चेंज हुई अगर उन लोगों की कैफियत तो और चेंज हो गई जिनको बाहर जाना है बेचारों को जो रात में जाग रहे दिन में सो रहे उनका मामूल तो फिर भी चल जा रहा जिनको बेचारों को बाहर जाना है जो रात में भी दो तीन घंटे सो गए दिन में फजर के बाद फिर दो तीन घंटे सो गए उठ के बाहर जाना है। लेकिन खाना तो आपका वही था दो इवन दो आप रात में सोए लेकिन खाना तो आपने भी वही खाया जो दूसरों ने खाया तो सुबह उठ के जब दस बजे आप जॉब पे जाते हैं तो तो वो तो आपके लिए वबाले जान बन जा रहा रहा, रहा, रहा रहा है रहा है रमजान में में और इसलिए जहन आ अरे या तो जॉब कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं या रमजान के रोजे रख सकते क्योंकि आपका शहर ही खराब था आप उठ के जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कोई जंग पे जा रहे हैं आप बिल्कुल थका थक हार के रोजे रख यू नो काम कर ही नहीं पाते हैं और आपके पास ला महिला एक ही सॉल्यूशन बच जाता है और शैतान भी बढ़ चढ़ के उसमें आपका सपोर्ट करता है वो सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या मैं रोजे रखू या इसको डिसकंटिन्यू कर लू मजबूरी है घर में कमाने वाला मैं अकेला हूं अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो घर नहीं चलेगा इसलिए लोग रोजे छोड़ने को प्रेफर करते हैं लेकिन अपना शहर चेंज करने को प्रेफर नहीं करते हैं उसमें उन लोगों का भी कोई कसूर नहीं है क्योंकि ऑप्शन ही तो नहीं है ना किसी को भी नहीं मालूम कि अच्छी शहर कहते किसे है। किसी को भी नहीं मालूम कि अगर शहर में ये जो आपके घरों में पिछले कई सालों से पिछले कई डिकेट से या पुरखों से चली आई है रिवाज उसको चेंज करना कोई दूसरा सोल्यूशन है हमें मालूम ही नहीं कुछ लोग बोलते भूखे रहेंगे भूखे रहना सोल्यूशन है क्या सवाल ही नहीं है अगर इन तमाम चीजों को छोड़ के अगर हम नेचर uh, कुदरत ने जिस तरह से हमें निजाम जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है अपनी जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है वो गुजारे खुदा ने जो हमें सिखाया है वो हम उस तरह से हम काम करें हमारे बड़े लोगों ने जो हमें सिखाया है कि किस तरह से रोजे रहना चाहिए किस तरह से इबादत करना चाहिए टो जैसा बताए वैसा ही हम अपनाएं वैसा ही इबादतों का तरीका भी हम अपनाएं और वैसे ही खाने पीने के तरीके भी हम अपनाएं और वैसे ही जिंदगी गुजारने के तरीके हम अपनाएं तो ट्रस्ट मी सोल्यूशन वही है कम बैक टू नेचर नेचर के क्लोज हो जाइए खुदरत के क्लोज हो जाइए खुदा और उसने जो रूल्स बनाए हैं उसके करीब हो जाइए तमाम चीजें खुद खुद हल हो जाएंगी करीब होने के लिए एक पहल हमारी कम्युनिटी भी आपको मदद कर रही है वो किस तरह से होने के लिए आपके खाने को सहल करना जरूरी है मतलब आपके शहर को सहल करना जरूरी है मतलब आपके शहर के निजाम को आसान करना जरूरी है ये हम अकसाम के खाने कलरफुल खाने अलग अलग किस्म के नॉनवेज के खाने अलग अलग मिठे अलग अलग तीन दो दो तीन तीन किस्म के चावल और ड्राई सालन अलग करीज अलग स्टार्टर्स अलग ये मेरे दोस्तों ये शहर में खाने के खाने नहीं है ये रातों में खाने के भी खाने नहीं है इसमें से कुछ खाने अगर दिन के टाइम पे खा लिए तो खा लिए लेकिन ये खाने सुबह में जब आप उठ सोने वाले हैं जब खाने के खाने नहीं है दोस्तों इसे छोड़ के हमारी कम्युनिटी आपको ऐसा खाना दे रही है जिसमें प्रोटीन है पैंतीस से चालीस ग्राम प्रोटीन दोस्तों पैंतीस से चालीस ग्राम प्रोटीन आप खा के सोएंगे तो उसके बाद आपको भूख नहीं लगने वाली है चाहे आप जोहर तक सो या फिर दस बजे ही उठ के काम पे चले जाओ आपको भूख नहीं लगने वाली है मैं खुद साढ़े तेरह साल से इसकी टेस्टिनी हूं क्योंकि साढ़े तेरह साल से कई रमजान गुजरे हैं और रमजान में रोज शेख पे गुजरे हैं और मेरे अलावा मैं कई एक्सपीरियंसिस आपके सामने बताने वाला हूं जिन लोगों के रोजे शहर के शहर में शेख पे गुजरे हैं और कभी उन्होंने दो किस्म के स्टोरीज है दोस्तों आज तो वो, वो स्टोरीज लूंगा मैं जो लोगों के रोजे ही नहीं होते थे रमजान में शेख पे सहर करके रोजे रख पाए और कुछ ऐसे भी रिजल्ट्स है रोजे बड़ी तकलीफ में रहते थे वो लोग यू नो आ, बहुत ज्यादा जद्दोजहद करके रोजे रखते थे लेकिन जब से उन्होंने अपना शेख लेना शुरू किया शहर में उनके रोजे बहुत आसान हो गए वो स्टोरीज सुनने का आपको मौका मिलेगा तो हमारा जो शेख हम दे रहे हैं उसमें प्रोटीन है फाइबर है और हाइड्रेशन का ख्याल रखता है डाइजेशन ठीक रखता है आप घर में हो आपके घर में काम करने वाले करने वाले होम मेकर खा, खातून है जो घर का निजाम संभालना है आपको या आप मर्द है जो बाहर जाके यू नो कस्बे माश के लिए आपको कोशिश करना है जॉब कर रहे हैं आप बिजनेस कर रहे हैं हार्ड वर्क कर रहे हैं आपका मार्केटिंग का काम है बाहर फिरने का काम है किसी भी लेवल का काम है हमारे पास ऐसे टेस्टीमोनीज है कि लोगों ने शेक पी के Uh, you know, uh, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना काम भी किया है और रोजे भी कंप्लीट की है इबादतें भी कंप्लीट की है और सेहत भी मेंटेन रही है सो हर्बल लाइफ का शेक क्या करता है आपको हम कोशिश करेंगे कि पूरे दिन में आपको प्रोटीन अच्छा खासा मिले जिस तरह मैं बताऊं कि तीसरी क्लास जो होने वाली है टोटल स्नैक्स और यू नो आ, शेक्स के ऑप्शन के साथ आपको तकरीबन 80 ग्राम 70 ग्राम 80 ग्राम के उस ज्यादा आपको प्रोटीन मिलने वाला है 25 से 30 ग्राम आपको फाइबर मिलने वाला है तो हम जो आपको शेक दे रहे हैं सुबह में जो आपको शेक देंगे उसमें फाइबर भी रहेगा एंड उसमें प्रोटीन भी रहेगा और उसमें इतना मैं, मैं जैसा बताया पैंतीस से चालीस ग्राम प्रोटीन मिलेगा ये दो टाइम के शेक के बारे में बात कर रहा हूं मैं कि आपको ट्वेंटी ग्राम फाइबर और सिक्सटी ग्राम प्रोटीन लेकिन एक टाइम के शेक में आपको तकरीबन आठ से दस ग्राम प्रोटी फाइबर देंगे हम लोग और पैंतीस से चालीस ग्राम प्रोटीन देंगे मैग्नेशियम और पोटेशियम मिलेगा जिसकी वजह से आप हाइड्रेटेड रहेंगे क्योंकि जब आपके बॉडी में

ये दो स्लाइड्स के बारे में मुझे बात करना था अभी इसके बाद के जो प्रेजेंटेशन रहेंगी इसके बाद रमजान का एक्चुअल शेड्यूल कैसा रहेगा शहर में क्या लेना है शहर का शेख का ऑप्शन क्या है और डिनर में क्या लेना है और दूसरी चीजें क्या होती है स्नैक्स के ऑप्शन क्या है इफ्तार में क्या लेना है दही बड़े खा सकते हैं क्या हरीस खा सकते हैं क्या इन तमाम चीजों का जवाब आपको बोलूँ हाँ है, आप रमजान में दही बड़े भी खा सकते हैं रमजान में आपको हरीज खाने का दिल तो हरीज भी खा सकते हैं फ्रूट सलाद भी खा सकते हैं नॉनवेज भी खा सकते हैं किसी चीज की कोई पाबंदी नहीं है सिर्फ गाइडेंस रहेगा ये कोच आपके जो कोच है वो और इस कम्युनिटी का गाइडेंस रहेगा कैसा खाना है कब खाना है कितना खाना है ये हम लोग आपको बताएंगे और ये बताएंगे आपको अगली क्लास में अगली क्लास जो बहुत जल्दी अनाउंस होंगी उसमें आपको ये तमाम चीजों के बारे में इन डिटेल बताया जाएगा कि खाना जो आपका मन पसंदीदा चीजें हैं रमजान में खाने के जो डिशे, डिशेस है उसको आपको गिव अप नहीं करना है वो खाते हुए भी आप अपना रूटीन मेंटेन कर सकते हैं सेहत मेंटेन कर सकते हैं सेहतमंद तरीके से अपने रोजे रख सकते हैं सो so, अब मैं क्या करूंगा ये तो जो रूटीन है अगली क्लास में बताएंगे लेकिन अभी मैं आपके कॉन्फिडेंस uh, के लिए आपके एतमाद के लिए आपके सामने तीन लोगों को पेश करूंगा जो लोग रमजान के रोजे नहीं रख पा रहे थे लेकिन हमारे गाइडेंस में आके अपनी गजा को दुरुस्त करके खाने पीने की आदतों को ठीक करके वो लोग रोजे रख पाए और किस तरह से रोजे रख पाए वो अपनी जर्नी खुद आपके सामने शेयर करेंगे अभी तक अगर आप थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी थे नो प्रॉब्लम लेकिन अगले तीस मिनट पूरी तरह से स्क्रीन को चिपक जाइए और गौर से सुनिए लोगों का एक्सपीरियंस और ये लोग बताएंगे कि ये किस तरह कौन कौन से प्रॉब्लम से जूझ रहे थे लिए डॉक्टर ने इनको मना कर दिया था रोजा रखने के लिए, अब किस तरह से रोजा रख पा रहे हैं सो so uh, आप uh, आपको अनम्यूट करूंगा और आप बात कीजिए सफिया मोइन ओके सो दोस्तों आप इनका एक्सपीरियंस सुनिए बात कीजिए मैम गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर Uh, मेरा नाम सफिया मोहन है uh, मैं इस कम्युनिटी से ज्वाइन होकर टू इयर्स हुए और इसमें जो है मैं ट्वेंटी एट के जी मेरा वेट रिड्यूस करी सेहतमंद तरीके से, में से. और जो है और मैं रम, रोजे जो मैं बहुत रहती थी बच यंग एज से मैं रोजे बहुत रहती थी रमजान के ही नहीं सिर्फ आ, ये नफिल रोजे भी बहुत रहती थी मैं पहले तो फिफ्टी 15... वर्ष पहले के रमजान में सेहत के लिए तो मैं तो ये वॉइस ऐसी तबीयत ब्रेक बहुत है या आप लोग को तो भी सर यस सर वॉइस ब्रेक हो रही है सफिया मैम अनफॉर्चुनेटली मुझे मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं आप थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम करेक्ट कर लीजिए मैं आपको फिर से नेक्स्ट मौका आपको दूंगा क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है हम दूसरा स्टोरी लेते हैं आप मोइन साहब इनकी हेल्प कीजिए के नेटवर्क वगैरह ठीक करने का आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही थी तो नेक्स्ट स्टोरी हम लेते हैं आ... 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 गाजी मिल्लत क्लब से नाम याद नहीं आ रहा मुझे आप जरा अपना हैंड कर लीजिए प्लीज गाजी गिल्ल आ... हाजब साहब क्या नाम है उनका आप बोलिए मैं उनको इनवाइट करता हूँ तालिब खुलेदी सर जी जी तालिब खुलेदी हाँ तालिब खुलेदी साहब आप अपना हैंडरेस कीजिए मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आप बात कीजिए तालिब खुलेदी साहब तालिब नजर नहीं आ रहे मेरे ख्याल से लॉग इन नहीं कर पाए तो आप ही बोलिए फिर उनको हाँ तालिब खुलेदी साहब आप यहां पर है मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं बात कीजिए जनाब आपके स्क्रीन पे एक ऑप्शन आया होगा अनम्यूट का उस पर क्लिक करके आप बात कीजिए असल वरि वालिफा है मैं गाजी मिलत कालेन से जी. से और मेरा साल हाजब है सालम मेरे को जो है दो हजार ग्यारह में तीन वाल बंद हुए थे मेरे जी टाइम जो है तीन स्टंट डाले मेरे को उस तारीख से हमारे डॉक्टर हैदर खान साहब जो रेड के जी. वो देखिये रोजे नहीं रहना मैं तब, कब बोले आपको ये रोजे ने ने... तो? उसी साल में दो हजार ग्यारह में दो हजार ग्यारह में रोजे नहीं रहना नहीं वो नहीं दो हजार ग्यारह से मैं नहीं था गुजश्ता साल में ये क्या आखिरी के दस रोजे किया मैंने नहीं नहीं वो सुनेंगे गुजश्ता साल जो हुआ वो तो बिल्कुल सुनेंगे लेकिन उससे पहले मैं ये जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं कि 2011 से पहले आप रोजे रख पा रहे थे बराबर तो आप पूरे रोजे करता था मैं तो 2011 से मतलब आप आपकी उम्र क्या थी होंगी जब से आप रोजे रखना शुरू किए सात साल आठ साल दस साल सात आठ साल से रोजे रखता हूँ मैं सात आठ साल से आप रोजे रखते आए हैं और आ, कितनी उम्र तक रखे के आए मतलब 2011 में आपकी उम्र क्या थी अब 2011 अब तो मेरी सेवेंटी है आपकी अभी सत्तर है मतलब 2011 में आपकी उम्र फिफ्टी रही होगी अट्ठावन जी जी तो सात साल की उम्र से अट्ठावन साल की उम्र तक आप रोजे रखते आए हैं मतलब हाँ। रमजान था, था के, भी, भी भी तो के रोजे भी रखे आप और आपने नफिल रोजे भी रखे दो हजार हाँ। में आपका मोटापा बढ़ने की वजह से आपके वॉल ब्लॉक हुए और डॉक्टर ने आपको दिया कि आप रोजे नहीं रखना तो दो तीन सालों से आप रोजे नहीं रख रहे नहीं बिल्कुल नहीं था गुस्सा साल में जो है आखिर में दस रोजे किया मैं आखिर के बहुत अच्छी आ गई माशाल्लाह अलहमदुल्ल मैं जिस वक्त तो क्लब पे गया था उस वक्त तो मेरे बच्चे मेरे पकड़ के वो सीढ़िया दो सीढ़िया चढ़ा के बिठाए थे मैं आठ दिन या दस दिन खाली कुर्सी पे बैठ के ये करा उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैं हरकत कर रहा तो उसके बाद मैं आज आधा घंटा पैंतीस मिनट तक एक्सरसाइज करता हूँ फुल आई अच्छी तरीके से जी आ, और जो है और मैं दो टाइम शक पीता हूँ इनशाला दो टाइम भी सुबह में और शाम में दो टाइम पीता हूँ और मेरे को इतनी अच्छी एलर्जी आई एनर्जी आई कि मैं बोल नहीं सकता मेरे जिसम में उसी ताकत है मैं मैं खुद जा रहा हूँ मैं खुद आ रहा हूं मैं खुद तू गाड़ी चला ले रहा हूँ हर चीज में कर ले रहा हूँ और मेरे को जो शुगर है बीपी भी है शुगर की गोली मैं तीन टाइम खाता था जी तो अब एक गोली दो टाइम खाता सुबह में आधी खाता मतलब एक एक टैबलेट तीन टाइम खाते थे अब तीन आधी और शाम में आधी खा रहे हैं शाम में आधी खा रहा हूँ बीपी भी बी गोली जो है दो खाता था मैं सिर्फ एक खा रहा हूँ दोपहर के टाइम एक खाता मैं वेरी गुड मौसम और इस, इस साल जो है मैं इनशाला पूरे रोजे रहने का इरादा करा कर हमने हूँ आप लोगों सब की सबकी दुआ है भाई पूरे रोजे करने वाला करूंगा तो, इस बार राज तो दस रोजे रखे आपने शेख के सपोर्ट पे इस बार आप शहर में क्या लेने वाले हैं शेख लेने वाले हैं या रोटी चाई शेख शेख पे रहने का इरादा है मेरा इनशाला शेख में शेख ही लूंगा बेहतरीन बेहतरीन मैं उस पीरियड के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा पचास बावन साल तक आप कंटिन्यू हर महीने हर साल रोजे रखते आए रमजान के दो हजार ग्यारह से पिछला साल दो हजार तेईस था दो हजार ग्यारह से दो हजार तेईस बारह साल जो आप रोजे नहीं रख पाए तो आपको बेचैनी सी और बेखरागी की कैफियत रहती थी, थी होंगी बेसरारी नहीं हम कहीं जब रमजान में किसी के सामने जाके क्या रोजे नहीं बोलने के बाद शर्म आती थी कोई दावत में दिए तो दावत में जाना अपने को ये नहीं होता था जी। बहुत थाने अच्छा नहीं दिखता था मेरे को खा रहे बोले तो बहुत ये होता था जाता ही नहीं था जी उस दस रोजे किया उसके बाद में अहमदुल्ला हम मेरी बाड़ी में बहुत अच्छी तरीके से मैं दस रोजे में देख लिया कि मेरे मैं कर सकता हूँ वेरी गुड ऑसम तो इंशाल्लाह ये साल जी इंशाल्लाह ये साल पूरे पूरे रोजा करने का इरादा हो गया इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो मैं पूरा करूंगा इंशाल्लाह लेकिन रमजान के रोजों से कितने महीने पहले आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन किए थे मैं गुरिस्ता जनवरी में ज्वाइन किया जनवरी में आप ज्वाइन किए और आ, ये, ये, ये जनवरी को एक साल हो अब ये दूसरा साल होगा मेरा जी जी तो रमजान के दो महीने पहले आप ज्वाइन किए थे जी आओ हाँ तो ये दो महीने में आपको ऐसे रिजल्ट्स आए आपको रिजल्ट अच्छी दिखी शुगर वगैरह कंट्रोल में आना शुरू हुआ तो आपको एक कॉन्फिडेंस आया शायद कि जब इतने सब फायदे पर तो चलो देखते हैं रोजे भी रख के आओ देखेंगे एक दो रख के देखेंगे बोले तो वो कंटिन्यू में कर दिया दस रोजे इन अल्लाह ताला तक हिम्मत जो गया शेख का जो मेरे प्रोटीन जो मिले मेरे को

मतलब सत्तर साल की उम्र के है वो उनकी स्टोरी फिल्स से जिस दे दूं साल की उम्र के साथ, साथ साल के जब वो थे तब से रोजे रखते आ रहे हैं रमजान के हर साल बिला नागा उनतीस या तीस रोजे जो भी होते थे पूरे रखे कंटिन्यू बावन साल तक उनका ये रूटीन था कि हर साल पुरजोश अंदाज में रमजान का इस्तेमाल करते थे और रमजान के रोजे रखते थे लेकिन दो में कुछ यू हादसा उनके साथ हुआ कि मोटापा बढ़ने के वजह से हार्ट के वॉल ब्लॉक हो गए और डॉक्टर ने उन्हें मना कर दिया कि अभी आपके लिए फास्टिंग रिकमेंडेड नहीं है तो 2011 से 2023 तक 12 साल का अरसा उनका बगैर रोजों के गुजरा हालांकि उनका मामूल ये था कि फर्ज रोजों के साथ वो नफिल रोजे भी रखते थे लेकिन ऐसा इंसान जो रोजों का इतना पाबंद है अचानक अगर डॉक्टर कह दे कि रोजे नहीं रख पाएंगे सोचो उनके दिल की कैफियत क्या रहती थी होंगी कैसे इमोशनल हो जाते थे होंगे कितनी तकलीफ में रहते थे होंगे जब जब भी रमजान आता था और लोगों के सामने जैसा जनाब बताए शर्मिंदगी का शिकार होते थे बट थैंक्स टू सबसे पहले अलमाइटी जिन्होंने हिदायत दी जिन्होंने रास्ता बताया उसके साथ उनके कोच एंड कम्युनिटी लास्ट ईयर सत्तर साल की उम्र में रमजान में शेख के सपोर्ट के साथ उन्होंने दस रोजे रखे और इस बार पूरी तरह से कमिटेड है कि पूरे रोजे रखेंगे so, एक का तो बनता है तालिब लिए। अमेजिंग नाउ लेट्स फ्रॉम सफिया मोइन सफिया मोइन अगर आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम ठीक हो गया है तो आप हैंड रेस कीजिए सफिया मोइन आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम ठीक हो गया तो हैंड रेस कीजिए एंड तब तक uh, हमारे सईदाबाद से भी एक कैंडिडेट है आई डोंट नो लाइफलाइन वगैरह सब बराबर खा रहा हूँ लेकिन नाम भूल गया फिर से तो आसिफ भाई उनको भी हैंड करने के लिए बोलिए uh, सफिया मैम बात कीजिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर अलैकुम क्लियर है सर अभी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी सर तो uh, मेरा uh, मैं ज्वाइन हुआ क्या कम्युनिटी कम्युनिटी से टू इयर्स हुए और मैं अल्हम्दुलिल्लाह के 28 एट रिड्यूस हुआ अभी तक हेल्थी वे में और uh, अब जो है मैं रमजान के रोजे के अलावा बचपन से रोजे रहती थी और रमजान के अलावा ये नफिल रोजे भी बहुत रहती थी पहले तो फिर पंद्रह साल पहले ऐसा ये हुआ कि मैं शहरी में उठी तो बिल्कुल अ, मैं सैर नहीं कर सक रही थी कुछ निगल नहीं सक रही थी अ, पानी तक नहीं निगल सक रही थी ऐसा बहुत तबीयत खराब हो गई थी मेरी कब हुआ आपके साथ फिफ्टीन इयर्स पहले पंद्रह साल उससे पहले Uh, मैं आपको कर रहा हूं. Uh, पहले लगातार कितने सालों तक आप रोजे रखते रहे हैं? कुछ अंदाज़ा आपको हाँ सर मैं दस साल की उम्र तकरीबन तीब साल से से रोजे रह रही थी रोजेटी फाइव ईयर पच्चीस साल से रोजे कम रह रही, साल रही थी, हाँ, थी, थी, थी पंद्रह साल पहले जो है मुझे क्या हुआ के ऐसा तहरी में रोजा नहीं रह सक रही थी अः उठ के कुछ, कुछ खा नहीं सक रही थी मैं तो उस वजह से जो है दिन में क्या डॉक्टर डौ, को बताए तो बोले कि मेरे को सीवियर एसिडिटी है तो सीवियर एसिडिटी हो गया और उसके साथ में जो है वो उसका रीजन था मुझे डिप्रेशन था तो उसके वजह से हुआ सीवियर एसिडिटी और बीपी भी बढ़ गया था तो ऐसा था तो रोजा नहीं रहना बोल देते थे डॉक्टर मुझे तो ऐसे ही रोजे गुजर रहे थे तो मैं नहीं रह सक रही थी रोजा तो ऐसी था तो भी मैं बहुत रहा था फिर उसके बाद में टैबलेट्स बहुत सारे ले रही थी रमजान में पूरे बहुत ले रही थी फिर नेक्स्ट ईयर फिर मैं ट्राई करी के बीपी इसका एसिडिटी के टैबलेट खाते हुए रह सकते क्या ट्राई कर रही थी मैं जी तो वो खाने से पहले ट्वेंटी मिनट्स पहले खाना था एक टैबलेट वो खाके रह रही थी तो सुबह में बिल्कुल सीने में बहुत जलन होता था और जो है इतनी सी घबराहट जैसा होती थी बहुत तकलीफ होती थी और तबीयत बहुत खराब होती थी और एनर्जी लेवल इतना लो रहता था, था कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी ऐसा तो नींद नींद आती थी मुझे तो लेट जाना ऐसी तो तिलावत करने के लिए खुद बैठी तो नहीं होता था नींद आ जाती थी और घर का काम करेंगे वो तो एनर्जी बिल्कुल नहीं रहता था सो जाती थी मैं ऐसे नींद आती थी बहुत तो ऐसा तो ऐसे ही दिन ऐसा रोजे मेरे नहीं रह सकती थी मैं ठीक से कभी कबर है गए कभी नहीं रह गए ऐसे ही होता था और वेट हो वेट की वजह से मैं नमाज भी ठीक से मैंने चेयर पर बैठ के पड़ती थी सजदा नहीं कर सकती थी तो ये सब था इसमें बहुत मैं गिल्टी फील करती थी कि मैं सही तरीके से मैं इबादत नहीं कर सक रही हूँ फर्ज रोजे में मिस कर रही हूँ बहुत ऐसा गिल्टी फील होता था मुझे जी। फिर जो है आ, टू इयर्स पहले जो है मुझे मेरे कोच मिले और मुझे इस कम्युनिटी से इस ब्यूटीफुल कम्युनिटी से मुझे मिला है और जो है मुझे जो है बहुत अच्छा क्लब को गए तो बहुत अच्छा सा न्यूट्रिशन मिला बहुत अच्छा सा फील हुआ वहां पर और अच्छा सा मुझे न्यूट्रिशन मिला और जो है वहाँ का एटमोस्फियर बहुत अच्छा था तो ऐसा रहा तो फिर मैं जो है आ, एक दिन ऐसी क्लब में हमारे मैडम बोले के हम रोजा जो है सर, आ, शेक पी के रोजे रहते बताए थे तो मैं ताजुब हो रहा था कि मैं सोची के खाके रहे तो फिर भी खा, कितना इतना खाके भी जैसे एनर्जी लेवल्स नहीं रहते तो शेक पी के कैसा रह सकते तो उन्होंने बोले के शेक का वो फार्मूला बताए कैसा क्या क्या डालते कैसा बनाना शेक बोल बताए और जो है ये बोले के ट्राई करके देखो बोले तो जभी भी शाबान का महीना था तो मैं ये सोची तेरह चौदह पंद्रह के रोजे थे के देखूं तो तेरह चौदह पंद्रह के रही तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रहा कि मुझे पता ही नहीं चला कि नेक्स्ट डे मैं मेरा जो रूटीन था वो कर रही थी कुछ नहीं कुछ तकलीफ नहीं हो रही थी मुझे और जो भी रूटीन था मैं वो कर रही थी जो भी करती मैं काम तो मेरे को यकीन नहीं, नहीं आ रहा था कि मैं मैं रोजे में हूँ तो ऐसे ही गुजरे मेरे तीन रोजे भी मेरे ऐसे ही गुजरे तो फिर जो है मैं जो है मैं बहुत खुश हो गया अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करी कि मुझे इतना अच्छा से कम्युनिटी से जुड़ा इतना अच्छा न्यूट्रिशन मुझे दिया अल्लाह कि मुझे इतना अच्छा सा सोल्यूशन मुझे मिला के मैं रमजान में मैं रोजे रह सकूंगी बल्कि okay. तो फिर अब दो साल से मैं रमजान में रोजे शेख शहरी में शेख मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों शहरी में शेख ले रहे थे और जो है आ, और जो है हाँ इफ्तार में खजूर फ्रूट्स खा के रोजा खोलते थे और जो है कुछ अच्छे अच्छे ड्रिंक्स जो अपने सलीम सर जो बताए वो ड्रिंक्स लेते थे और जो है तरा भी इतने अच्छे तरीके से मैं अच्छा बैठ सजदा हुए कर सक रही हूँ नमाज में सही तरीके से नमाज पढ़ सक रही हूँ और जो है शाम में हम क्लब को जाते थे क्लब में भी हम अच्छा सा हो जाता था एक्सरसाइज थोड़ा बहुत करते थे शीख पीते थे फिर आते थे बहुत अच्छे से गुजरे दो साल के रोजे मुझे अलहमदुल्ला सर अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि इतने अच्छे कम्युनिटी से इतने अच्छे इसे हम हम अल्लाह मुझे जुड़ाए हम सब हम मेरे को और मेरे हस्बैंड को हमारी फैमिली को अल्लाह का बहुत शुक्र अदा है जी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सफे मैम एक इंपॉर्टेंट सवाल आप बताएं कि आप इतने साल कंटिन्यू रोजे रखे इनफैक्ट नफिल रोजे भी रखते थे और बचपन से एक्साइटमेंट के साथ रोजे रखते थे पिछले पंद्रह साल से ये हाजमे के प्रॉब्लम के वजह अब जब रोजे नहीं रख रह पा रहे थे और तो आपके घर में दूसरे लोग रोजे रखते थे खानदान के लोग रोजे रखते थे दोस्त अहबाब में लोग रोजे रखते थे तो रमजान जब आता था आपकी क्या फीलिंग रहती थी बहुत तकलीफ होती थी सर दिन में के मैं नहीं रह सक रही हूँ रोजे तो बहुत अफसोस होता था बहुत रोना आता था मैं अल्लाह से बहुत दुआ करती थी अल्लाह मैं रोजा रह सकू मैं मैं नमाज अच्छी तरीके से पढ़ सकू मैं बहुत दुआ करती थी अल्लाह से हर वक्त दुआ करती थी मैं सेहत से मैं दुबली हो जाऊं और मेरा वेट कम हो जाए और मैं पूरा मेरे हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर हो जाए मैं सेहत से रहूँ रोजे रह हमेशा दुआ करती थी मैं एंड लास्ट सवाल आपसे आप दो साल पहले कम्युनिटी किए रमजान से पहले आप के रोजे रख सकूंगी बोल के ज्वाइन करना है आप सिर्फ वेट लॉस के लिए आए थे जी हाँ बिल्कुल सर मैं क्योंकि मेरा वेट बहुत था एक्सेस था अब हंड्रेड था तो मैं इसलिए मैं जो है सो मैं वेट कैसा भी कम करना था मेरे को

जी हाँ सर ट्वेंटी और जब आपको कॉन्फिडेंस आया और लोग बात कर रहे थे क्लब में के रोजे रखेंगे तो आप करके देखें एंड जो चमत्कार जिसका इंतजार आप पिछले पंद्रह साल से कर रहे थे वो चमत्कार हुआ पिछले दो साल से आपने शेख पे रमजान में शहर में सिर्फ और सिर्फ शेख पे रोजे रखे इस बार का क्या इरादा है आपका

So, दोस्तों जैसा आपने मैम का स्टोरी सुना के

खुले दिल से बिल्कुल मुकम्मल मुकम्मल तरीके से आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है पूरा रूटीन हमारा आपके साथ रहेगा कि क्या आपको शहर में लेना है क्या शेक, इफ्तार में लेना है और क्या उसके बाद लेना है रूटीन कैसा रहेगा तमाम चीजों का गाइडेंस आपके साथ रहेगा हो सकता है कि जिस तरह सफिया मैम बताई आप में से भी कई लोग सालों से रोजे मिस कर रहे हैं लेकिन रो रो के खुदा से दुआ कर रहे हैं कि हमें मौका मिल जाए कि हम रोजा रख पाए और हो सकता है आपके दुआओं का ही नतीजा है कि आज तक आज आपको ये क्लास की लिंक मिली है तो इसको जय ना जाने दे जिसने भी आपको बुलाया है उनसे बात करें एंड ये सेशन खत्म करने से पहले और एक इंस्पायरिंग स्टोरी सुनते हैं हम और उसके बाद एक मिनट मैं आपसे बात करूंगा तब तक आप बने रहिए मोहम्मद समीउद्दीन साहब बात कीजिए गुड इवनिंग अल्लाम वरहमल्बरक गुड इवनिंग एवरी वन जी जनाब सर मेरा मेरा मोहम्मद समी है नाम सैदाबाद क्लब से हूँ मैं मेरे कोच आशिफ सर हैं जी जी मैं आया था कि हमारे वाइफ के लिए उनके तरफ से मैं आया था क्लब तक आने के बाद उनका कुछ प्रॉब्लम था उनके सहेली जिदा में मुख्य महफिल वक्त उन्होंने बताए थे एड्रेस तो उनके साथ आ, आया था रोज आके बैठ रहा था एक दो दिन बैठने के बाद में मेरे को भी समझ में आया जब हमारे वहाँ के सीनियर्स रहे थे वो समझ में आके मैं भी जैन हो गया लेकिन उससे पहले मेरे को शुगर शुगर तीन साल पह, तीन चार साल पहले तो पहले चार आ गई थी और हंड्रेड खाने के बाद है रिपोर्ट में आया जी, रिपोर्ट देना कर में थर्टी यूनिटी यूनिट देते थे तो वो लेके मैं आता था, था। उसके बाद जैन होने के बाद मेरे को हल्का हल्का शुगर फर्क होना शुरू हुआ और मैं ये दरमियान के तीन साल चार साल जो थे मैं उसमें रोजे नहीं रहा नमाज को भी जाने के लिए प्रॉब्लम होता था मेरे को तराबी तो बिल्कुल खत्म ही जो मैं बोलना नहीं चाहिए लेकिन तराबी तो बिल्कुल खत्म हुई थी फर्ज नमाज पढ़ने वो भी कोने में ठहर के पढ़ता था जब सजदे में जाता तो चक्कर के वैसा होता था ज्यादा देर अगर ठहर गया तो वो भी चक्कर आए जैसा हम महसूस होकर नमाज भी पूरी मुकमिल नहीं होती थी तो रोजे जब नहीं रह रहा था मैं जब रोजदारों के साथ बैठ रहा था तो जब विफ्तार में बैठ रहा था तो यही सोचता था कि अल्लाह मेरे को भी रोजे रखने के तो फरमा हुई तो मैं यही दुआ करता था उनके साथ बैठ के जो रोज से मेरे हमारे घर में रहते थे तो लोगों के साथ बच्चे वगैरह सब तो जब मैं जैन हुआ होने के बाद में मेरे को जब रमजान का मौका आया आते ही मैं चैलेंज में शरीक हो गया मैं शरीक हो मैं फिर रोजे रहना शुरू करा मैं तो दो टाइम शेख लेके अल्लाह का अल्लाह का कर्म है मैं सप्लीमेंट भी पूरे ले रहा था और उससे रोजे भी पूरे मैं वो महीने के रमजान के महीने के पूरे रोजे भी रहा मैं पूरे रोजा रहा तराबी भी पूरी हुई नमाजी भी पूरी हुई अल्लाह का शुक्र है मालिक का शुक्र है और न्यूट्रिशन का बहुत बहुत शुक्र अदा करना है और आप लोगों का भी अदा करना है हमारे आसिफ सर का भी अदा करना है जो हमारे को ये लाइन में हमारे को जैन करे तो उसमें फायदेमंद हो गया अलग से गोलियां भी तकरीबन पंद्रह महीने से मैं छोड़ दिया हूँ बीपी शुगर के डॉक्टर के मशोरे से जी, तो अलग बीपी नहीं है शुगर नहीं है और दो साल से मैं कमेटी से ज्वाइन हूँ क्लब से ज्वाइन हूँ मैं जी समी साहब दो साल से आप ज्वाइन है और दो साल से रोजे रख पा रहे हैं जी, जी हाँ ये दूसरा साल है सर गए हाँ। साल से रह रहा था पहले सर, उससे पहले मैंने आप उससे पहले नहीं रख पा रहे थे तो उससे जी, पहले जी हाँ, तीन साल चार साल रोजे मिस हो गए आपके जी हाँ तीन साल मिस हो गए सर में हाँ और उससे पहले तीन साल से पहले जब आपकी सेहत अच्छी थी आप पाबंदी से हर साल रोजे रखा करते थे जी हाँ मैं बचपन से दस साल की उम्र से मैं रोजे पूरे रहता था जी अब वो तकरीबन फिफ्टी सेवन में हूँ मैं अल्लाह का एहसान है मैं पूरे रोजे रह रहा हूँ बीच के दरमियान के तीन साल के छूट गए थे मेरे रोजे। जी। मैं के मौका मिल गया मेरे को अल्लाह का जी जी जितना भी है मैं न्यूट्रिशन से जो फायदा उठाया मैं बहुत बड़े बहुत बड़ा फायदा हो गया मेरे को इसके लिए जी, जी तो तो टेंट रहे जी एक सवाल तो, साहब आपसे जब तीन साल आप रोजे नहीं रख पा रहे थे तब आपने बताया तो सही लेकिन फिर भी हमेशा आप दुआ, दुआ रहते थे होंगे कि मुझे ऐसा कोई सोल्यूशन मिल जाए कि मैं रोजा रख पाऊ जी सर मैं वही था मेरे को मसा अल्लाह तोहफे दे दिया तो रोजे फिर रहेंगे बोल गया सोच लिया था और इफ्तार में भी बैठ के मई वो लोगों के साथ यही दुआ करता था इफ्तार वालों के रोजदार के साथ मेरे को भी बना दे इसी तरह क्या है, क्या बात बात तो है लेकिन तो लास्ट ईयर जब आप रोजे रख पाए तो आपको ये आ, ये बात आपको याद आई होंगी कि मेरी दुआएं कबूल हो गई और मैं रोजा रख पा रहा हूँ अमेजिंग अब की बार का क्या इरादा है आपका इस रमजान में शेख पे रोजा रखना है या फिर से रोटी दाल चावल नहीं नहीं सर मैं शेख पे था और इंशाल्लाह इनशाला पूरे भी रोजे रहने की कोशिश करूंगा और रहूंगा भी मैं पूरे रोजे तो शेख शे, से अंदाजा लग गया है कि मेरे को उसमें ना तो पानी की प्यास लग रही ना तो भूख का अंदाजा लग रहा कुछ भी नहीं शेख से बड़ा बहुत बड़ा फायदा हो सर बहुत बढ़िया समी साहब थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू 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 थैंक थैंक सो सो मच मच तो दोस्तों ये थे हमारे समी साहब जो 50 प्लस एज में 57 सेवन ईयर्स एज में बोले हैं। दस साल से रोजे रख रहे हैं लेकिन पिछले तीन साल से वो रोजे रहने रख पाए तीन चार साल से सेहत खराब होने की वजह से 500 तक इनका शुगर लेवल चले गया था सुबह में 30 यूनिट्स इंसुलिन लेते थे रात में 20 यूनिट्स 50 यूनिट्स इंसुलिन लेते थे सजदा भी नहीं कर सकते थे सजदा जब करने जाते थे सर चकरा जाता था नमाजें नहीं हो रही थी रोजे नहीं हो रहे थे परेशान थे दुआएं करते थे सोल्यूशन मिला उनको हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन उनके कोच और क्लब के शक्ल में नाव आपने सुना कि वो कितने बेहतरीन तरीके से लास्ट ईयर के रोजे रखे एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डॉक्टर से के मशवरे से डॉक्टर ने हम लोग डॉक्टर्स नहीं है हम लोग न्यूट्रिशन में डेली हैबिट्स में फूड हैबिट्स में उनकी मदद कर सकते हैं गाइड कर सकते हैं लेकिन जब उनका शुगर कंट्रोल में आना शुरू हुआ उन्होंने हमसे पूछा कि क्या करना हमने बोला कि जाइए डॉक्टर से मशवरा कीजिए और डॉक्टर ने कहा कि अभी वो फिफ्टी यूनिट जो आप इंसुलिन

लेकिन आप में से जो नए लोग हैं दो मिनट मेरी बात गौर से सुनिए आप लोग ये समझ रहे होंगे कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन बहुत बढ़िया चीज है बॉस हर्बल लाइफ के बारे में मुझे ऑलरेडी किसी ने बताया था मैंने गूगल में भी इसको देखा था एमेजॉन में भी इसका एड देखा था अब तो मैं हर्बल लाइफ ले लूंगा और मैं भी यूज करना शुरू करूंगा मैं रोजा और अच्छी तरह से रख पाऊंगा हर्बल लाइफ शेक से या मैं रोजा नहीं रख पा रहा तो रोजा रख पाऊंगा तो गलत है आपका आपका जो थिंक थिंकिंग है गलत है आपकी सोच गलत है ये लोगों ने तीनों ने भी अपने स्टोरी में क्लब का नाम लिया अपने कोच का नाम लिया कि फला कोच मिले फला क्लब गया इसलिए मुझे ऐसा रिजल्ट आया तो सिर्फ प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं आते हैं सिर्फ प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं आते यस प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग लेकिन प्रोडक्ट्स बात नहीं कर सकते हैं आपको गाइड करने के लिए इंसान की जरूरत होती है वो है कोच और आपकी संगति आपका एसोसिएशन आपका यू नो एनवायरमेंट आपकी सोबत बहुत अच्छी रहना पड़ता है उसे कहते हैं कम्युनिटी तो कोच भी चाहिए और ये बेहतरीन कम्युनिटी चाहिए जिसके साथ आपको रिजल्ट आएंगे जो आपको गाइड करेंगे रोजे में, रोजे रमजान में 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 रखने सो दैट्स इट फ्रॉम मी लास्ट मैं आप लोगों से चाहूंगा कि जितने लोग भी नए हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये क्लास को आप हल्के में ना ले आज के सेशन को आप हल्के में ना ले आपके कई सालों के दुआओं का रिजल्ट हो सकती है आज की ये क्लास कई सालों से आप जो दुआएं कर रहे थे कि खुदा कोई सोल्यूशन बता दे अल्लाह कोई सोल्यूशन बता दे कि मैं रोजा रख पाऊं हो सकता है कि वो दुआ कबूल हुई और आज, आज आपको ये सोल्यूशन मिला क्योंकि तीन स्टोरीज जो आज आपने सुनी और पिछले क्लास में जो स्टोरीज आपने सुनी उसमें लोगों ने क्या कहा कि वो दुआएं करते थे रो रो के दुआएं करते थे कि कुछ सोल्यूशन मिल जाए जिसकी वजह से रोजा रख पाए तो वो उनको सोल्यूशन मिला उनके दुआएं पूरी हुई दुआएं कबूल हुई उनको सोल्यूशन मिला हो सकता है इस बार आपकी बारी है आपको सोल्यूशन तो मिल गया ये क्लास के शक्ल में इसके बाद क्या करना है इसको हल्के में मत दीजिए इसको आ, क्या बोलेंगे इसको प्रोकैस्टिनेट मत कीजिए लिड़ती में मत डालिए जैसे हम कहते हैं लोकल लैंग्वेज में वो मत कीजिए फौरी अपने कोच से बात कीजिए और बोलिए मुझे रोजा रखना है कैसा रखना है क्या सोल्यूशन है आ, कैसा मैं रोजा रख सकता हूं ये बता पूछिए हमारे कोच पूरी तरह से गाइड करेंगे आपको कम्युनिटी से जुड़ाएंगे और फिर आपके रोजा रखने में मदद करेंगे कुछ लोग जो लेट ज्वाइन करें या लिंक पहले जो यूट्यूब की लिंक है वो गलत पोस्ट करने की वजह से हो सकता है कुछ लोग क्लासेस मिस हो गई तो ये जो हमारा सेशन रहेगा ये रिकॉर्डेड है यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा लिंक आपके कोचेस के पास है क्लब ओनर्स के पास है एंड आपके यू नो सुपरवाइजर ग्रुप में भी है तो उनसे लिंक लीजिए और जिन लोगों तक भी ये क्लास पहुंचाना चाह रहे हैं ये मैसेज ये बेहतरीन स्टोरीज पहुंचाना चाह रहे हैं उन तक आप ये पहुंचाइए अब नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट अगले हफ्ते गालिबन दो या तीन तारीख को एक्टली डेट अनाउंस किया जाएगा वहां पे हमारा फाइनल क्लास रहेगा तीसरा क्लास रहेगा जिसमें हम रेस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन जो आज जहां पर प्रेजेंटेशन रुका गया है उसके बाद की बात करेंगे uh, उसमें क्या क्या कवर करेंगे हम लोग आपका शहर का रूटीन क्या रहेगा शहर में आप क्या क्या लेंगे और कैसा लेंगे वो फिर इफ्तार में क्या लेने के आपके पास ऑप्शन आप से बात होंगी. रात का, क्या आपका शेड्यूल रहेगा? रहेगा ये तमाम चीजें अगली क्लास में रहेंगी और कुछ बेहतरीन भी अगली क्लास में रहेंगे सो फॉरगेट टू ज्वाइन नेक्स्ट क्लास अनाउंसमेंट विल कम सून एक दो दिन में उसके बारे में किया जाएगा so